स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मेरे को मैसेज मिला था और मैसेज मिलने के 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर मेरे अकाउंट में बैलेंस आ चुका। नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रो एप्लीकेशन से हम कैसे लोन ले सकते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करना है। आप अपना पिन कोड वगैरह डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखिए तो हमको नीचे तीन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला स्टॉक्स है, फिर म्यूचुअल फंड है और फिर हमको देखने को मिल रहा है मोर। तो हमें मोर वाले आइकन पे क्लिक करना है। दोस्तों जो ग्रो ऐप है सभी लोगों को लोन नहीं दे रहा है। यहाँ पे कुछ चुनिंदा कस्टमर है केवल उन्हीं को लोन दे रहा है और जिनको ये लोन दे रहा है वो प्री अप्रूव्ड लोन है IDFC बैंक की तरफ से। तो यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास दो अकाउंट है, एक तो मेरे खुद के नाम से है और एक मेरे मदर के नेम से है। तो यहाँ पे मेरे जो खुद के नाम से अकाउंट है उसके ऊपर लोन का कोई भी ऑफर नहीं है, परंतु मेरे जो मदर है उनका नाम पे यहाँ पे लोन का ऑफर आ चुका है। जैसे मैंने उनका अकाउंट ओपन किया तो मेरे को यहाँ पे लोन का ऑफर देखने को मिल रहा है, तो मैं लोन के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे हम लोन के ऊपर क्लिक करेंगे आपका जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। आपको जितने भी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, आपका जितना भी इंटरेस्ट रेट बनेगा वो यहाँ पे लिखा होगा। कितना लोन आपको हाईएस्ट मिल सकता है वो यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे लिखा इंस्टेंट मनी इन द बैंक, आपको मनी है पैसे है वो तुरंत मिल जाएंगे। हालांकि दोस्तों पैसे तुरंत नहीं मिलते हैं, आधा घंटा लगता है क्योंकि RTGS करता है, तो RTGS करने में आधा घंटा एक लग जाता है पैसे अकाउंट में आने में। उसके बाद में जीरो डॉक्यूमेंटेशन, आपको डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा कुछ भी नहीं देना है और यहाँ पे तुरंत आप इसको क्लोज भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप चाहे तो टर्म एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं और हम एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करेंगे। ये दोस्तों कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिनको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, परंतु यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ डायरेक्टली एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करूंगा। और यहाँ पे आप देखिए तो लोन की अमाउंट है वो यहाँ पे कम ज्यादा आप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। आप मिनिमम 7 से 8, 5 हजार तक लोन की अमाउंट कर सकते हैं, 50,000 से लगाकर आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 2.5 लाख, अगर आपको बड़ा लोन मिल रहा है, काफी लोगों को 2-2, 3-3 लाख तक का भी मिलता है, किसी को 4 लाख तक का भी मिलता है, जिनको जो जो मिल रहा है वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में दो चीजें बताई गई। सबसे पहले यहाँ पे आपको 12 मंथ है, फिर यहाँ पे 24 मंथ का दिखाया जा रहा है, फिर 36 मंथ का है। आप जो भी चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं, कस्टम ड्यूरेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो, अगर आप चाहें तो 24 महीने का कीजिए, अगले 12 महीने का, आपको जो भी ठीक लगे। आपको हर महीने कितने रुपए की EMI बनेगी वो यहाँ पे लिखा है। अगर आप एक साल के लिए करते हैं तो 22,000, दो साल करते हैं तो आपको 12,000 की EMI बनेगी और 3 साल के लिए लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पे 8,500 की EMI बनेगी। अब दोस्तों जैसे ही आप अपनी EMI सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद में आपको ऑप्शंस मिलेगा सी डिटेल्स का, इसी के ऊपर हमें क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखें तो टोटल आपकी EMI बनने वाली है वो 8,661 रुपए की, यहाँ पे मेरे को बता दिया गया है। इंटरेस्ट रेट मेरे को ब्याज कितना देना है वो बताया है, टोटल मेरा ब्याज कितना बन रहा है वो भी बताया गया है, प्रोसेसिंग फीस मेरे को कितनी देनी है वो बताया गया है, विड्रॉल डेट मतलब आप किस दिन पैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे 19 तारीख है और आज भी 19 तारीख है, इसका मतलब है आज के आज मेरे को पैसे मिल जाएंगे अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ। फिर फर्स्ट EMI डेट मतलब मेरी पहली EMI पहली किस्त है वो किस तारीख को आएगी, तो 5 अगस्त को आएगी, और लास्ट EMI कब आएगी 5 जुलाई को आएगी, और लोन का टेन्योर क्या बताया गया 36 महीने और 16 दिन का। तो यहाँ पे आपको टोटल ये देखने को मिल जाएगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस रहता है। तो चलिए हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, हम बैक जाते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और वेट करेंगे। यहाँ पे मैं जान लेता हूँ क्या क्या ऑप्शन हमको बताया जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मेरा जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो अकाउंट है वो इससे लिंक है, वो यहाँ पे लिखा है। दोस्तों आप देख सकते हैं ऑटो पे इनएक्टिवेट लिखा है, मेरा मतलब है ऑटो पे मेरा यहाँ पे चालू नहीं है, तो मेरे को ऑटो पे है वो एक्टिवेट करना होगा। और मेरी जो पहली EMI बनने वाली है 5 अगस्त 2022 को, जबकि आज मेरी तारीख है 19 जून 2000, यहाँ पे माफी चाहूंगा 19 जून 2022 चल रहा है, तो मेरे को यहां से जुलाई भी नहीं, मेरे को डायरेक्टली अगस्त में मेरी EMI बनेगी। और चीज दोस्तों यहाँ पे नीचे लिखा गया है अकाउंट में, जिस अकाउंट में आपको पैसे दिए जा रहे हैं उसी अकाउंट से ऑटो डेबिट होगा, और यही दोस्तों आपको ऑटो डेबिट इसलिए करवाना है ताकि आपकी EMI है वो बिल्कुल भी बाउंस ना हो और टाइम टू टाइम आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे हम सेटअप ऑटो पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, एक तो डेबिट कार्ड का दिया जाएगा और हमको दिया जाएगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था दो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, वेरीफाई आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से। यहाँ पे मैं डेबिट कार्ड से करने वाला हूँ और यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट बताया जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों जो मैक्सिमम अमाउंट बताया जा रहा है वो 1 लाख रुपए, मतलब एक साथ है वो कंपनी कितना ज्यादा से ज्यादा निकाल सकती है 1 लाख, परंतु टेंशन नहीं लेने की जरूरत है क्योंकि आपका 1 लाख नहीं निकलने वाला है, आपका यहाँ पे जितनी भी EMI बनेगी वही यहाँ पे निकलेंगे। फिर यहाँ पे आपका कोड बताया जा रहा है, कितना आपका कोड है, आपका जो यूटिलिटी कोड है, बैंक अकाउंट नंबर है, बैंक अकाउंट का टाइप है, सारी डिटेल यहाँ पे है। मैं यहाँ पे आई कन्फर्म कर लेता हूं और यहां पे कंफर्म करने के बाद में सबमिट करूंगा और वेट करूंगा जब तक ये प्रोसेस हो रहा है। हो सकता है कि आपके सामने स्क्रीन है वो ब्लैक हो चुकी हो या पे आधी अधूरी डिटेल्स हो, परंतु यहां पे मैं बताना चाहूंगा मेरे को यहां पे मैंडेट के लिए बताया जा रहा है, मैं यहां पे प्रोसेस कंप्लीट करता हूं। और दोस्तों यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे एग्री करने वाला हूं, परंतु ध्यान में रखने लायक बात यह है कि यहां पे मेरे को बताया गया है अगर मैं डेबिट कार्ड से करता हूं तो मेरे को 118 रुपए यहां पे देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, यहां पे बैंक मेरे से पैसे ले रहा है, परंतु अब यहां पे अगर आपको पैसे देने पड़ेंगे अगर आप डेबिट कार्ड से करते हैं तो। अगर आप करते हैं नेट बैंकिंग से तो आपको पैसे देने हैं कि नहीं वो मैंने चेक नहीं किया, परंतु डेबिट कार्ड से करने पर 118 रुपए आपको चार्ज देना होगा। हम प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे।
यहाँ पे दोस्तों हमसे कार्ड नंबर पूछा जा रहा है, एक्सपायरी डेट पूछी जा रही है और एक्सपायरी ईयर पूछा जा रहा है। तो आपको ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पे सीवीवी कोड अकाउंट का, यहाँ पे जो भी आपके यहाँ पे डेबिट कार्ड के ऊपर नाम है वो यहाँ पे लिख लिए और मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे कार्ड का नंबर डालते ही बता दिया जाएगा आपका कार्ड किस टाइप का है, मेरा यहाँ पे बता दिया गया है। उसके बाद में हमें एक्सपायरी डेट डालनी है, हमें सीवीवी कोड लिखना है, वही कोड लिखना है जो आपके यहाँ पे, माफी चाहूंगा, जो एटीएम कार्ड है उस एटीएम कार्ड के पीछे लिखे होते हैं आपका सीवीवी कोड। कार्ड होल्डर नेम, आपके कार्ड के ऊपर नाम लिखा होगा, जिसके नाम का भी यहाँ पे कार्ड होगा आपका ही नाम होगा आपके कार्ड के ऊपर। मेक पेमेंट के ऊपर हमें क्लिक करना है। अब दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, आज है तारीख है वो है 21 जून, 21 तारीख है, मैंने ये जो वीडियो बनाया था वो बनाया था 19 तारीख को, तो 19, 20 और 21 बीच में 2 दिन का गैप रह गया वीडियो के बीच में, वो कैसे रहा मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑटो पेमेंट दोस्तों ग्रो ऐप से सेटिंग किया था, वो ऑटो पेमेंट है वो यहाँ पे क्लियर हो ही नहीं रहा था, ऑटो पेमेंट आगे बढ़ ही नहीं रहा था। बैंक ऑफ बड़ौदा से मैंने काफी बार ट्राई किया परंतु नहीं बढ़ पाया, तो उसका मैंने रीजन चेक किया, तो उसका बहुत ही सिंपल सा रीजन था, मैंने वही चेक करने के लिए अपने दोस्त के नाम का जो बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है उनका भी चेक किया उनके ग्रो ऐप से, तो उनका भी नहीं हो पाया। ऑटो पेमेंट है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में ही कोई प्रॉब्लम थी उस समय जिसके कारण नहीं हो पाया। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे HDFC बैंक में जाकर एक नया अकाउंट खुलवाया और उस अकाउंट को मैंने लिंक करवाया। यहाँ पे ध्यान में रखिए, आपका अकाउंट है वो एक्टिवेट होने के बाद में, जैसे मैंने यहाँ पे HDFC बैंक में अकाउंट ओपन करवाया था और एक्टिवेट होने में 1 दिन लग गया, एक्टिवेट होने के बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे वही ऑटो पेमेंट मैंने वापस डाला, डेबिट कार्ड से डाला, और ऑटो पेमेंट में मैंने क्या किया, डेबिट कार्ड से डाला, तो मेरा तुरंत हो गया बिना किसी दिक्कत के। तो जैसे ही ऑटो पेमेंट है वो मेरा क्लियर हुआ, ऑटो पेमेंट क्लियर होते ही जो आगे है, आगे प्रोसेस था, आगे प्रोसेस कीजिए और आपके विड्रॉ के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका अमाउंट है वो विड्रॉ हो जाता है। तो मैंने विड्रॉ ऑल के ऊपर क्लिक किया था और मेरा अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो चुका था। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया टोटल 2.5 लाख का अमाउंट था। तो यहाँ पे हम देखें तो मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे हुआ, मैं व्यू डिटेल्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप देखें तो 2.5 लाख का अमाउंट था, प्रोसेसिंग फी है वो 5700 रुपए लगी और मेरे को टोटल अमाउंट मिला 2,44,236 रुपए मेरे को मिला। टोटल इंटरेस्ट रेट है वो 14.5% का रहा है, ड्यूरेशन है वो 36 मंथ की रही है, टोटल पेएबल हमको इतना बताया गया है 3,11,000 आपको वापस देना है, 2.5 लाख आपको दिया गया है। फिर आपकी ईएमआई बनेगी, वो कब बनने वाली है, कितनी ईएमआई है, किस तारीख को आएगी, लास्ट ईएमआई कब है, फर्स्ट ईएमआई कब है, ऑटो पेमेंट के कौन सा बैंक अकाउंट सेटअप है वो यहाँ पे लिखा आ चुका है। जैसे आप विड्रॉ करेंगे दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आप विड्रॉ में सक्सेसफुल आप देख सकते हैं लिखा आ चुका है और पेमेंट है वो तुरंत आपके अकाउंट में नहीं आता है, पेमेंट आने में आधा घंटा लग जाता है। जैसे ही पेमेंट आएगा आपको एक सैंक्शन लेटर दिया जाएगा, उसमें आपको एक मैसेज आएगा, मैसेज के अंदर आपको बता दिया जाएगा आपका जो लोन है वो क्लियरली वहां पे सक्सेसफुली भेज दिया गया, उसका एक मैसेज आएगा और दूसरा आपको मैसेज आएगा जो आपके अकाउंट में जब भी पैसे आते हैं उसका मैसेज आता है। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने अकाउंट में बैलेंस चेक कर सकते हैं और ये एक RTGS के थ्रू आता है। जब RTGS आता है आप सभी को पता है टाइम लेता है, मतलब काफी बार हो जाता है तुरंत RTGS आ जाता है और काफी बार आधे घंटे का टाइम लग जाता है। जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मेरे को मैसेज मिला था और मैसेज मिलने के 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर मेरे अकाउंट में बैलेंस आ चुका था, काफी बार आधे घंटा हो जाता है। और इसी प्रकार से दोस्तों आपको यहां पे लोन लेना है। दोस्तों आप यहाँ पे देखिए तो कुल मिला के इस तरीके का इंटरफेस है, जैसे जैसे आप अपनी लोन है वो यहाँ पे भरते जाएंगे, आपकी जितनी ईएमआई से टाइम टू टाइम हम भरते जाएंगे, आपको विड्रॉवल के लिए अलग से बैलेंस भी मिलता जाएगा, मतलब आपको एक प्रकार की क्रेडिट लाइन देखने को मिल जाएगी बैंक की तरफ से। जैसे जैसे आप लोन भरेंगे फिर उस लोन को वापस आप विड्रॉ कर सकते हैं एक नए लोन की तरह, मतलब जितने चाहे इतने आप लोन अकाउंट बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, मल्टीपल बना सकते हैं यहाँ पे। और दोस्तों साथ ही साथ में जितने आप मल्टीपल अकाउंट बनाते हैं उसमें आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो खराब हो जाता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा मल्टीपल मत बनाइए, आपका जितना एक अकाउंट आपने ले लिया है बस लोन अकाउंट में और उसको आप पेमेंट करते रहिए। और दोस्तों जिस लोगों को यहाँ पे लोन का ऑप्शन ही देखने को नहीं मिल रहा उनको यहाँ पे लोन नहीं मिलेगा, लोन केवल उन्हीं को मिलेगा जिनको यहाँ पे लोन का ऑप्शन मिल रहा है। और ये प्री अप्रूव है, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी नहीं मांगा जाता, तुरंत आ जाता है, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट में बता दिया है मेरे अकाउंट में बैलेंस आ चुका है बिना किसी दिक्कत के। आशा करता हूं जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज तक पहुंचे आप सभी के लिए फायदेमंद रही होगी। दोस्तों इसी बात पर लाइक जरूर बनता है, कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट में शेयर कीजिए, मैं आपकी पूरी की पूरी मदद करूंगा। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।